हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर श्वेताप। आज की क्लास में हम जो थ्योरम प्रूफ करेंगे उसका स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे है। थ्योरम का स्टेटमेंट इस तरीके से है, इफ S1 एंड S2 आर टू सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F, देन वी हैव टू प्रूव दैट स्पैन ऑफ S1 यूनियन S2 इज इक्वल टू स्पैन ऑफ S1 प्लस स्पैन ऑफ S2। तो चलिए चलते हैं, इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मैं ये डिस्कस कर लूँ कि आइडिया प्रूफ क्या होगा। बेसिक सेट थ्योरी को हम फॉलो करेंगे। जैसे अगर हमें ये प्रूफ करना हो कि दो सेट है, मान लीजिए ए और बी, आपको ये शो करना है कि ए इज इक्वल टू बी, तो सबसे इजी वे क्या होता है, आप ये शो कर दें कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, तो हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो जाता है कि सेट ए एंड बी आर इक्वल। और हमें ये प्रूफ करना होगा ए इज सबसेट ऑफ बी, तो कैसे हम प्रूफ करते हैं, मान लेते हैं कि एक्स एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ए में, और ये शो कर दें कि एक्स इज ऑल्सो इन बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी प्रूफ हो जाता है। तो बस इसी को फॉलो करेंगे और ये रिजल्ट प्रूफ करेंगे। हम मान लेंगे क्या कि एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स जो कि स्पैन ऑफ S1 यूनियन S2 में है, शो कर देंगे कि ये एक्स जो है स्पैन ऑफ S1 प्लस स्पैन ऑफ S2 में है, तो हमारा वन साइडेड हो जाएगा, मतलब स्पैन ऑफ S1 यूनियन S2 स्पैन ऑफ S1 यूनियन S2 इज सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ S1 प्लस स्पैन ऑफ S2 हो जाएगा। फिर रिवर्स कर लेंगे, मान लेंगे क्या कि x जो है वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसका, स्पैन ऑफ S1 प्लस स्पैन ऑफ S2 है, और ये प्रूफ कर देंगे कि ये x किस में लाई करता है, ये x लाई करता है स्पैन ऑफ S1 यूनियन S2, तो हमारा रिवर्स साइड भी प्रूफ हो जाएगा कि स्पैन ऑफ S1 प्लस स्पैन ऑफ S2 इज सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ S1 यूनियन S2 एंड हेंस दे आर इक्वल। तो ये है इसका पैटर्न, ये है इसका प्रूफ का तरीका। और इसमें बेसिक्स की क्या जरूरत पड़ेगी, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि स्पैन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके कुछ बेसिक रीजंस। तो चलिए चलते हैं, प्रूफ करते हैं। उसके पहले से मिटा दूं जो मैंने इतना कुछ लिख दिया हुआ है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स देन इट स्टार्ट प्रूविंग दिस वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट, जो आपके CSIR IIT JEE में कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली आपके ऑप्शंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसे प्रूफ करते हैं। अगर आपने इंटरसेक्शन का रिजल्ट नहीं देखा है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट प्रूविंग दिस थ्योरम। तो सबसे पहले गिवन क्या है, V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, तो लिख लेते हैं लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। बढ़िया, उसके बाद क्या है, S1 और S2 जो है ये V के कोई आर्बिट्रेरी सबसेट्स हैं, तो मान लेते हैं कि S1 क्या है, X1 X2 XN, इसी तरीके से S2 मान लेते हैं Y1 Y2 Y1। सो लेट S1 मान लेते हैं कि ये V का सबसेट है जिसके एलिमेंट्स कैसे हैं X1 X2 X3 एंड सो ऑन XN। इसी तरीके से एक दूसरा सबसेट S2 ले लेते हैं V का, जिसके एलिमेंट्स क्या ले लेते हैं Y1 Y2 Y3 एंड सो ऑन YM। क्या है ये, आर्बिट्रेरी सबसेट्स ऑफ V है। मान लीजिए यहाँ हमने फाइनाइट सेट्स लेके लिया हुआ है, तो जरूरी नहीं कि हम फाइनाइट सेट लेके प्रूफ करें। ठीक है, बी आर्बिट्रेरी सबसेट्स ऑफ V ओवर फील्ड F। ओके, तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम ये प्रूफ करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट स्पैन ऑफ S1 यूनियन S2 इज सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ S1 प्लस स्पैन ऑफ S2। तो लिख देते हैं टू शो, क्या शो करना है, फर्स्ट वी विल शो दैट स्पैन ऑफ S1 यूनियन S2 इज सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ S1 प्लस स्पैन ऑफ S2। ठीक है, तो पहले ये प्रूफ करना है। तो बेसिक सेट थ्योरी का स्ट्रेटजी जो है उसे फॉलो करते हैं। मान लेते हैं x कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसमें, स्पैन ऑफ S1 यूनियन S2 में है। ठीक है, तो लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ S1 यूनियन S2। तो x जो है स्पैन S1 यूनियन S2 में है, उसके पहले आप ये देख लेते हैं कि S1 यूनियन S2 दिखता कैसा है। भाई S1 यूनियन S2 क्या होगा, S1 यूनियन S2 साइड में लिख देते हैं, S1 के एलिमेंट क्या है X1 X2 एंड सो ऑन XN, और Y1 और S2 के एलिमेंट क्या है Y1 Y2 Y1 YM। सॉरी,
तो x बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ S1 यूनियन S2। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है कि इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप x को S1 यूनियन S2 के जो एलिमेंट हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है X1 से लेके XN तक और Y1 से लेके YM तक, x को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। यही है बेसिक्स। तो x बिलोंग्स टू स्पैन S1 यूनियन S2 मींस वी कैन राइट x एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ xi एंड yj। तो लिखते हैं, सो वी कैन राइट बाय डेफिनेशन ऑफ स्पैन, हम जानते हैं स्पैन का मतलब क्या होता है। सो वी कैन राइट, लिखते हैं x को S1 यूनियन S2 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, मान लेते हैं α1 x1 प्लस α2 x2 एंड सो ऑन, प्लस α n xn प्लस β1 y1 प्लस β2 y2 एंड सो ऑन प्लस β m yn। राइट, ये लिख दिया हमने। अगर आप चाहे तो इसे शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो इसको चाहे तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की जो एलिमेंट हैं, यहाँ से यहाँ तक, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, α i x i, आई वेन फ्रॉम 1 to n प्लस समेशन, यहाँ से यहाँ तक के जो एलिमेंट हैं उनको लिख सकते हैं क्या, β j y j, वे जे वेरी फ्रॉम 1 to m। तो ये आप पे है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जहाँ α i β j जो है वो फील्ड के एलिमेंट हैं, i वेरी फ्रॉम 1 to n एंड j वेरी फ्रॉम 1 to m। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब ये देखना है आपको कि क्या ये स्पैन S1 प्लस स्पैन S2 में बिलोंग करते हैं। तो देखिए, ऑफकोर्स दे विल बिलोंग। जरा नजर दौड़ाइए, ये क्या लिखा हुआ है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये क्या हुआ है। देखिए, अगर यहां से लेके यहां तक देखें, आप यहां से लेके यहां तक देखें, तो बेसिकली α1 x1 प्लस α2 x2 प्लस सो ऑन प्लस α n xn, ये क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है किसके एलिमेंट का। दिस इज LC मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1, राइट। ये S1 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर लीनियर कॉम्बिनेशन बिलोंग्स टू स्पैन S1। इसी तरीके से जो ये लिखा हुआ है, β1 y1 प्लस β2 y2 प्लस सो ऑन प्लस β m y m, अगर इस पर देखिए इंडिविजुअली, तो ये y1 से लेके ym जो है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। अब y1 y2 ym किसके एलिमेंट है, ये S2 के एलिमेंट है। तो बेसिकली क्या कह सकते हैं, दिस विल बिलोंग्स टू स्पैन S2 बिकॉज इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S2। और ये जो है, ये वाला, ये जो लिखा हुआ है α1 x1 प्लस α2 x2 प्लस α n xn, दिस बिलोंग्स टू स्पैन S1, क्योंकि ये S1 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ से यहाँ तक α1 x1 से लेके α n xn तक ये एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं किसमें, स्पैन S1 में। और β1 y1 से लेके β m y m तक के जो एलिमेंट हैं वो स्पैन S2 में बिलोंग करते हैं। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि दिस राइट हैंड साइड इज वॉट, फाइनली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू स्पैन S1 प्लस स्पैन S2। तो चलिए इसको लिख देते हैं और क्लियर ढंग से लिखते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है ऐसे। तो इसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं। तो बहुत ही इजी थ्योरम है, थ्योरम में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। हाँ, लेकिन ये कि बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए स्पैन का मतलब क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट स्पैन में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। सो नाउ फाइनली वी कैन राइट दैट क्लियरली, समेशन लिख देते हैं, समेशन i इक्वल टू 1 to n α i x i। ठीक है, ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ S1। तो हम कह सकते हैं दिस इज इन स्पैन, व्हाट, स्पैन S1, क्योंकि ये क्या है, LC मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1। वेरी गुड। इसी तरीके से समेशन j इक्वल टू 1 to m β j y j इज इन किसमें, स्पैन S2 में। क्यों, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है किसके,
एलिमेंट्स ऑफ एस टूगेदर ले सकते हैं, बिकॉज दे आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस टू। तो फाइनली अगर आप इसको इक्वेशन नंबर वन दे दें, तो फ्रॉम वन व्हाट वी ऑब्जर्व, दिस बिलोंग्स टू स्पैन एस वन, अंडर पोर्शन बिलोंग्स टू स्पैन एस टू, सो फाइनली वी कैन से दैट एक्स बिलोंग्स टू स्पैन एस वन प्लस स्पैन एस टू, दस एक्स बिलोंग्स टू स्पैन एस वन प्लस स्पैन एस टू। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, हमने स्टार्ट किया था एक्स बिलोंग्स टू स्पैन एस वन यूनियन एस टू, देखिए यहां पे हमने स्टार्ट किया था एक्स बिलोंग्स टू स्पैन एस वन यूनियन एस टू, और हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि एक्स बिलोंग्स टू स्पैन एस वन प्लस स्पैन एस टू। दिस इंप्लाइज वी कैन कंक्लूड दैट स्पैन ऑफ एस वन यूनियन एस टू इज सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ एस वन प्लस स्पैन ऑफ एस टू। ठीक है, तो ये हमारा जो है वन साइड प्रूफ हो गया। अब दूसरे रिवर्स साइड प्रूफ करते हैं, मींस अब हम मान लेते हैं एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो कि स्पैन एस वन प्लस स्पैन एस टू में है, और उस एलिमेंट को हम दिखा देंगे स्पैन एस वन यूनियन स्पैन एस सॉरी स्पैन एस वन यूनियन एस टू में है, तो उस एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं वी मान लेते हैं। ठीक है, तो अब अदर साइड प्रूफ करते हैं या लिख देते हैं, नेक्स्ट वी विल प्रूव दैट, क्या प्रूफ करेंगे कि स्पैन एस वन प्लस स्पैन एस टू इज सबसेट ऑफ स्पैन एस वन यूनियन एस टू, ये प्रूफ करेंगे। तो वही बेसिक सेट थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, मान लेते हैं क्या कि v आर्बिट्रेरी एलिमेंट है स्पैन एस वन प्लस स्पैन एस टू में, सो लेट v बिलोंग्स टू स्पैन एस वन प्लस स्पैन एस टू। अब यहां के बाद कैसे प्रोसीड करें, यही हमारी जो मेन चीज है, सोचने वाली बात है। अगर याद कीजिए, आपने अगर प्रीवियस लेक्चर मैंने अटेंड किया होगा या आपको बेसिक्स थोड़ा याद होगा, तो आपको ये आइडिया होगा कि स्पैन एस वन जो है, अगर एस वन सबसेट है तो स्पैन एस वन इज ए सबस्पेस ऑफ वी, राइट, ये हमने प्रूफ भी किया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर में। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि स्पैन एस टू इज ए सबस्पेस ऑफ वी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्पैन एस वन प्लस स्पैन एस टू, और ये लिखा हुआ है कि वी बिलोंग्स टू दिस, इसका मतलब एक तरीके से ये लिखा हुआ है कि वी बिलोंग्स टू दीज सम ऑफ दीज टू सब स्पेसेस, राइट, स्पैन एस वन एंड स्पैन एस टू। तो आपको जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है, सम ऑफ सब स्पेसेस में मान लीजिए वी वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू वन कॉमा डब्ल्यू टू इसके दो सब स्पेस हैं, ओके, और आप ये कह रहे हैं कि स्मॉल v बिलोंग्स टू w1 वन प्लस डब्ल्यू टू, मीन्स वी कैन ऑलवेज राइट स्मॉल v इज इक्वल टू x प्लस y, वेर x इज एलिमेंट ऑफ w1 वन एंड y इज एलिमेंट ऑफ w2, तो बस इसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने ये बोला कि v बिलोंग्स टू स्पैन s1 वन प्लस स्पैन s2, इट मीन्स वी कैन राइट v एज x प्लस y, दिस इम्प्लाइज आप लिख सकते हैं क्या, v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सम ऑफ सब स्पेस की तरह डेफिनेशन देखिए, जहां x बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ s1 वन एंड y बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ s2, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, जैसे आप यहां पे स्टॉप हो गए, आप नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे प्रोसीड करें, तो ये देखिए आपने अभी जस्ट व्हाट वी हैव रिटन, हमने लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू स्पैन s1, हमने यहां लिखा हुआ है y बिलोंग्स टू स्पैन s2, तो अगर डेफिनेशन हमें पता है स्पैन एस वन एक के होने पे x बिलोंग्स टू स्पैन एस वन होने का क्या मतलब है, तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, मीन्स हमारी पेन स्टॉप नहीं होगी, वी कैन प्रोसीड फर्दर, हम रुकेंगे नहीं, राइट। तो अगर x बिलोंग्स टू स्पैन एस वन है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x को हम s1 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, राइट। y बिलोंग्स टू स्पैन s2 मीन्स y को हम s2 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, इतना लिखा नहीं कि आपका रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो लिखते हैं नाउ वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम x को स्पैन s1 मतलब s1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं, लिख सकते हैं दैट इज वी कैन राइट x एज अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा n xn, लिख दिया हमने, जहां अल्फा i बिलोंग्स टू फील्ड,
राइट, या इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू वन टू एन अल्फा आई एक्स आई, राइट। सिमिलरली y belongs to span S2, y belongs to span S2 means y can be written as linear combination of elements of y, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं means y can be written as beta 1 x1, sorry x1 नहीं है ना, S2 के एलिमेंट तो y1 y2 y m है, तो beta 1 y1 plus beta 2 y2 plus so on plus beta m y m, राइट। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है किसके, S2 के एलिमेंट का, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं चाहे तो समेशन j इक्वल टू वन टू m बीटा j y j। चलिए ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, अगर आप इसे मान लीजिए आप 2 लिख देते हैं, इसे लिख देते हैं 3 एंड 4, सो फ्रॉम 2 3 एंड 4 हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 4 को 2 में अगर पुट करते हैं तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v क्या होगा, लेट्स सी दिस एंड देन यू विल सी यस वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द प्रूफ साइड। तो v इक्वल टू x प्लस y लिखा हुआ है, राइट, सो v इज ये लिख सकते हैं पहले फ्रॉम 2 3 एंड 4, फ्रॉम 2 3 एंड 4 क्या मिल रहा है हमें, V is equal to x plus y, x को from equation 3 हम क्या लिख सकते हैं, alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 and so on plus alpha and xn, from equation 4 y लिखेंगे तो क्या होगा, beta 1 y1 plus beta 2 y2 and so on plus beta m ym। अब जरा ध्यान से देखिए इसको एज ए होल, ये पूरा हम कंप्लीट अगर देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये x1 x2 xn y1 y2 ym इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। जरा सोचिए s1 यूनियन s2 क्या था, s1 यूनियन s2 जो था वो है क्या, वो था x1 x2 से लेके xn एंड y1 y2 एंड ym। तो अगर हम यहाँ देखें तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये S1 यूनियन S2 जो कि उस S1 यूनियन S2 जिसके एलिमेंट ये हैं इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि V belongs to, आपने क्या प्रूफ कर दिया, स्पैन ऑफ S1 यूनियन S2, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे यही प्रूफ किया है कि दिस V कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S1 यूनियन S2 मीन्स V belongs to span S1 यूनियन span S2। तो देखिए आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था V belongs to span S1 plus span S2 एंड वेयर वी हैव रीच्ड, वी हैव रीच्ड V belongs to span S1 यूनियन S2। So finally, thus what we have proved that span of S1 plus span of S2 is subset of span of S1 union S2। So now अगर आप देखें ये इसको हम मान लीजिए इक्वेशन स्टार दे दें और इसे दे दें इक्वेशन स्टार स्टार, तो फ्रॉम स्टार एंड स्टार स्टार हमारा थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गया। क्या हमने प्रूफ कर दिया, दस फाइनली वी हैव दिस रिजल्ट, वेरी नाइस रिजल्ट, आपके एग्जाम में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कभी भी आ सकता है क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शंस का फॉर्म करते हैं। लोग छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं बट कंफ्यूज हो जाते हैं, इससे आपका कंपटीशन में सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो होपफुली आपको रिजल्ट जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको अगर ये पूरे थ्योरम में कहीं भी किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आप ये जो मेरा वीडियो है उसका पीडीएफ भी मैं शेयर कर सकता हूँ अगर आप डिमांड करेंगे। सो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस लेक्चर, आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया हो और प्लीज़ डू सपोर्ट मी, आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप मेरे फ्यूचर में वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं या आपको लगता है मैं किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर रहा हूँ। एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।